भाग डिवीजन बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 4 की पुस्तक गणित की गिनतारा। हम जानते हैं कि किसी संख्या में एक ही संख्या को बार बार घटाना भाग है। जैसे 8 केले 4 लोगों में बराबर बांटने हों तो पहली बार एक एक केला बांटने पर 4 बचते हैं और एक बार फिर से 4-4 बांटने पर 0 बचते हैं। यानी कि 4 लोगों में 2 बार बांटने पर सबको 2-2 केले मिले। किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना ही भाग है। तो भाग की परिभाषा, किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना ही भाग है। अब भाग में देखिए ये सब होता क्या है कि भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है जिसे डिविडेंड, भागफल क्वेशेंट, भाजक डिवाइजर और शेषफल रिमाइंडर। आओ देखें 484 को 4 लोगों में बराबर बांटना है, प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे पहले अनुमान लगाकर उत्तर दो। तो यहाँ पर देखिए 484 को 4 लोगों में बराबर अगर बांटना है तो अनुमानित अगर हम देखें तो निश्चित ही 100 रुपये से अधिक मिलेंगे हर व्यक्ति को। बाद में 84 रुपये को भी अगर हम 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 21×84 यानी कि 121 रुपये। उपयुक्त उदाहरण को अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ये किया कैसे गया। यहाँ पर देखिए कुछ 100 रुपये, 20 रुपये और 1 रुपये। अब भाग 8550 को बराबर लोग भागों में बांटना, 12 के भाग दिए इस तरह हुआ, किया कैसे गया देखिए। 8 भाजक है 12 से छोटा है तो 8 में 12 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर हम 85 में देखेंगे तो 12 का 7 बार गया, 1 बचा। अब 12 का भाग 1 बार नहीं जाएगा तो हम 5 नीचे उतारेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद 12 का फिर से भाग देंगे तो बचा फिर 3, और 3 में 12 का भाग नहीं जाएगा तो अब उतारेंगे 0, और 12 का पहाड़ा पड़ा 2 बार, 12 दूनी 24 तो बचे 6 शेष फल, क्योंकि अब कुछ भी उतारने को नहीं बचा। यही अगर हमें दशमलव में उत्तर लिखना होता तो हम दशमलव लगाकर 10 बढ़ा सकते थे और उसके बाद 12×5=60, सवाल में कोई भी शेष फल नहीं बचता लेकिन आंसर दशमलव में आता। हर भाज्य में जो भागफल होता है और भाजक जिससे भाग दिया जाता है उसका गुणा किया जाए और उसमें शेष फल जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हमें अपने भाग को चेक करने की एक विधि भी है कि भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, तो हमें जो बीच की संख्या रखी जाती भाज्य जिसमें भाग देते हैं डिविडेंड वो संख्या प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर हम 15 का भाग, अब देखिए इस संख्या में 15 का भाग दिया तो घटाओ जी इस विधि से, घटाओ 4×15। तो देखिए यहाँ पर भाग देने की एक नई विधि, आप इसको पढ़ें समझ सकते हैं, उसके बाद हम इसे व्हाइट बोर्ड भी आपको समझाएंगे। यानी कि पहाड़ा पढ़ना, हमको 20 तक पहाड़े आने चाहिए भाग देने के लिए। अब किसी संख्या में 20, 30, 40 या 90 से भाग देने के लिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम भाग दे रहे हैं। अब 20×8=160, देखिए यहाँ 20 का भाग दिया जा रहा है इस संख्या में। इसका एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, इस जी दोनों 0 को अगर हम हटा दें उसके बाद 2 से भाग दें अगर आपको 20, लेकिन हाँ चलिए हम 20 से भाग दे रहे हैं तो 20×8=160। देखिए अगर आपको अब 1 बचा, उसके बाद फिर 1 बचा, फिर 1 उतारा गया, 20×5=100, अब शेष फल बचा आपका 10, 10 से भाग नहीं जाएगा। तो ये भी है अगर आप देना चाहते हैं तो फिर आपको दशमलव लगाकर 10 बढ़ानी पड़ेगी। भाग का गुण धर्म देखिए, शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही होता है। शून्य में किसी संख्या से यानी कि शून्य के कितने भी टुकड़े करेंगे शून्य ही आएगा, एवं यदि हम शून्य से किसी में भाग देंगे तो शून्य नहीं, उसे कहते हैं अपरिभाषित, एवं किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 ही होता है। अब वार्तिक प्रश्न, एक पुस्तक में इतने प्रश्न हैं, शिवानी ने एक दिन में इतने प्रश्न पढ़ लेती, कितने दिन में किताब को पूरा पढ़ लेगी, तो 16 का भाग दे देंगे 1024 में। तो देखिए भाग दिया 64 बार, 64 बार गया और 0 बचा, यानी कि 64 दिन में वो किताब को पढ़ लेगी। इस तरह हम इन प्रश्नों को कर सकते। अब यहाँ पर हम स्वयं करेंगे, इन प्रश्नों को करेंगे, वीडियो को पॉज कर आप पूरी किताब को नोट कर पढ़ सकते हैं। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 0 होता है, यही जो अभी हम लोगों ने देखा, और 5 अंकों तक की संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं से भाग करना हमने। अब ये अभ्यास के प्रश्न हैं, आप इनको नोट करें और अपने बड़े भाई बहन और अपने शिक्षक से जाँच कराएँ।
आठ सात जीरो पांच अंकों से बनने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो बड़ी संख्या बनाए, उसके बाद छः बाई एक अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या आप 16 बनेगी, भाग दीजिए और शेष पर लिखिए। इसी तरह आप इन प्रश्नों को वीडियो को पॉज कर सभी प्रश्नों को लिखें और करें। जसविंदर के बगीचे में 11 पंक्तियों में इतने पेड़ लगे हैं, बताइए हर पंक्ति में तो 11 का भाग देंगे 660 में। अब चलिए चलते चलते महानगढ़ तक भास्कर आचार्य द्विति के बारे में जानते हैं। भास्कर आचार्य द्विति का जन्म बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। भारतीय गणितज्ञों में भास्कर आचार्य का विशेष स्थान है। इन्होंने प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ लीलावती की रचना की। सामान्य ज्ञान का प्रश्न, विश्व की कई भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद किया गया। इनकी पुत्री का नाम लीलावती था जो स्वयं भी महान गणितज्ञ थी। तो ये था आपका पाठ चार भाग। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि इसी चैनल पर आप पढ़ लेते हैं आप अपने सभी विषय हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में। चलिए मिलते हैं अगले पाठ पर, तब तक के लिए नमस्कार।